विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। यह वेस्ट बंगाल में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। वो व्यक्ति थे जो एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें गीतांजलि के लिए, और वो इस महान संस्था के संस्थापक थे। तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है, उसमें कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि उस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स होता है, कौन कौन सी भाषाएँ होती है और मुख्यतः किस प्रकार के कोर्सेस हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। कृपया इसे पूरा देखने का प्रयास करें, देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया हुआ है, 10 जून इसकी अंतिम तिथि है। तो जो भी इच्छुक छात्र या छात्राएं हैं जो इस महान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कृपया करके एप्लीकेशन फॉर्म डाल दें, एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, ताकि आप इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बन सको। और जिस विश्वविद्यालय की स्थापना, जिस विश्वविद्यालय की न्यू एशिया के प्रथम नोबल लॉरिएट रहे हों, तो कितनी बड़ी बात होगी, राइट। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आपके बैचलर डिग्री इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी कलकत्ता। तो इसमें मुख्य रूप से 7-8 कोर्सेज हैं, BA, BSc, BSc एग्रीकल्चर, BMUS यानी कि बैचलर ऑफ म्यूजिकोलॉजी, देन BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, BPE दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड BEd दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। BA ऑनर्स जो कि 3 साल का है, विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज साइंसेज के अंदर आता है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 55% मार्क्स इन बंगाली, इधर इन जनरल और इलेक्टिव बंगाली एट 10+2 लेवल, ये बंगाली के लिए है सिर्फ। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, ओरिया, फिलॉसफी, कॉम्पेरेटिव रिलीजन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, AIHC, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, देर आफ्टर जोग्राफी, मैथमेटिक्स, इतने सारे BA ऑनर्स 3 ईयर कोर्सेज के लिए है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देर आफ्टर इट कम्स BA ऑनर्स दैट इज 4 ईयर, 1 ईयर प्रिपरेटरी एंड 3 ईयर स्पेशलाइजेशन। विद्या भावना इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में पर्शियन, तिब्बतियन, चाइनीज, जापनीज का कोर्स भी कराया जाता है। पर्शियन, तिब्बतियन, चाइनीज एंड जापनीज, दीज आर द फॉरन लैंग्वेजेस जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देर आफ्टर BA दैट इज प्रोग्राम टाइप 3 ईयर्स, ये सब्जेक्ट है वोकेशनल फंक्शनल हिंदी, ऑल राइट। इसके बाद है BSc ऑनर्स 3 ईयर्स, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑनर्स मिल सकता है। तो कृपया करके BSc के लिए भी जो भी छात्र इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है BSc एग्रीकल्चर, 4 साल का ये कोर्स आपको पता ही होगा, पाली शिक्षा भावना एग्रीकल्चर के लिए, ऑल राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रोनॉमी, एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा आपके पास तो आप जा सकते हैं। इसके बाद है संगीत भावना दैट इज बैचलर ऑफ म्यूजिकोलॉजी, इसमें आप जा सकते हैं। देन इट कम्स BA फाइन आर्ट, BFA दैट इज 4 ईयर्स कोर्स, तो पेंटिंग है, म्यूरल है, स्कल्पचर है, ग्राफिक आर्ट है, डिज़ाइन है, टेक्सटाइल, सिरामिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी है इसके अंदर। इसके अलावा है BPE दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑल राइट, जिसमें आप बेसिकली स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। और लास्ट है BSW दैट इज बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इसके अलावा एक और भी है BEd दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो इसके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। रेस्ट ऑल दिस कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कृपया करके अप्लाई कर सकते हैं, आप इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद में। काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।